फेसबुक लाइव में स्वागत है। आज यहाँ पे मऊ ब्लॉक के गढ़वा गांव के लोग यहाँ पे आए हुए एसपी कार्यालय में। इनका कहना है कि हमारी प्रतिमा देवी 16 साल की लड़की 11 में पढ़ रही थी तो उनकी सड़क में एक्सीडेंट हो गया, मगर जो स्वास्थ्य केंद्र में दवा होना चाहिए मऊ में तो दवा नहीं हुई। हम लोग इलाहाबाद ले गए, इलाहाबाद में उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए यहाँ पे आज करवी में एसपी कार्यालय में दरख्वास्त देने आए हैं। और ये इन लोगों से मिलाते हैं कि क्या समस्या है, इनकी कब तक सुनवाई होगी। क्या नाम भैया? ननका। तो क्या नाम है आपको? ननका। ननका किन की लड़की थी? रवि करण। आपके कौन है वो रिश्ते में? भतीजी। कहाँ पे गई थी, किस समय? अरे आपकी लड़की भतीजी कहाँ पे गई थी, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? सामान पूरा पता ही जा रही, गढ़वा से, गढ़वा चौगलिया। तो किस गाड़ी से हुआ? महिंद्रा पिकम रही है। वो कहाँ की थी? वह गढ़वा गांव का है, पटेलन का है। तो क्या उनके नाम एफ आई दर्ज कराए आप? कराए हैं लेकिन सुने तो कुछ नहीं है। इसलिए आप एसपी कार्यालय आए? हाँ। तो क्या एसपी साहब क्या बोले? हाँ नहीं, चलेगी चलेगी, बात कुछ नहीं भाई। तो आप जब एक्सीडेंट हो गए थे तो आप लोग कहाँ पे इलाज कराए? वो रहा नहीं घर के, स्टूडेंट भाव है, वह डाला वाला मोटरसाइकिल में बैठा के यहाँ मऊ में आवा है। वो माँ नर्सिंग होम में करवाई थी 2000 के दवा, फिर हुआ नहीं सही भाव, फिर इलाहाबाद लग गया है तो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर दिया है। फिर कहें कुछ की है और ना दंड फंड, हम सारा पैसा लगाएंगे जितना लगेगा। फिर 3 रोज़ का मोहलत होकर दे रहे हैं, 3 रोज़ में फ़ोन लगाई बुलाई, वो अगबा न करें गायब हो जाए, फ़ोन स्विच ऑफ कर दी, कहें हम नहीं देंगे कुछ, हम जब देंगे उन्हें यहाँ सब आप पर खर्चा देख लेंगे, थाने पर दे के हम अपन कार्रवाई देख लेंगे, पैसा वैसा हम नहीं दे पाएंगे। तो क्या आप थाने में एफ आई आर दर्ज करा? हाँ हुई? बाद में भाई बात हुई, रिकॉर्ड नहीं लिखी गई? लिख गए हुई। तो क्या आप चाहते हैं किस में चाहिए, या जो घटना हुई उसका पैसा चाहिए? चाहिए मुलजिम डाला पकड़ दे। तो क्या अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई किया है, दरोगा जी के पास जाते हैं तो कहते हैं आज पकड़ेंगे कल पकड़ेंगे, आज 20 तारीख 21 हो गया, आज तक पकड़ नहीं गए। 25 तारीख? हाँ। कब की घटना है ये? 25 तारीख की घटना। कितने में लड़की पढ़ रही थी? 11 में। कहाँ पे? पूरा पता है। तो क्या स्कूल जा रही थी या नहीं? सामान लेने जाती है और गली में रास्ता मिल गया है तो टक्कर मार दिया लड़की को। तो क्या पहले स्कूल से आपकी दुश्मनी या रंजिश थी? दुश्मनी रही है थोड़ी थोड़ी, की लड़की 11 में पढ़ती है, चमारन की लड़की है, पढ़ ही लेती है, नौकरी चौकरी पा जाएगी, इस क्रम से मार दिया टक्कर। राम कुमारी। तो आप प्रतिमा की कौन है? माँ हैं। तो क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी? घटना हुई थी, हमारी बेटी जा रही सामान लेने और बेरक नहीं पाई थी, वह नौसिखिया ड्राइवर रहा, मेरे बेटी के ऊपर ठार रही है, वह चढ़ा दिए जान से। और फिर जब
घर आया तो लेकर हमको हमारे आदमी दवाई कराने चाहे गए शंकरगढ़, हम नहीं आए पान अपने से लेकर भाग गया। और जब भाग गया लेकर तब यहाँ में पता दिहीन, तब हम फिर भागे ती नर्सिंग होम में मऊ मलाई गए भैया तुरंत टाँका मरुआ दिहीन, फिर अपने से घर लाई गए 5,000 रुपये में भैया का शंकरगढ़ में भर्ती करी। हुआ कोई दवा ना भैया रात भर पौड़ी रह गए। फिर हुआ से जब डॉक्टर देखी इस कौन बड़ा आवा तो कहिस कि इसको इलाहाबाद ले जाओ। जब शंकरगढ़ के अस्पताल ही वही अस्पताल इलाहाबाद में है, हुआ हमें फिर पठाइन, हम हुआ फिर गए भैया कहानी वो ICU में राख दीन, हमें कहो को घुसे ना दीन। पता नहीं हम कहा जानी कि भैया की दवाई होती कहीं पर आए हैं, हमें कहो को एक मिनट का नहीं डॉक्टर घुसे देत रहा। फिर भैया का 10 रोज हुआ दवाई भाई, जब हमारा पैसा पूरा ख़त्म हो गया जितना हमरे कर्जा से बल रहा घर से लगा दें, अब पैसा हमरे मुठी में नहीं आओ तो हम फिर भैया का लाइक स्वरूप रानी आएन तो हुआ दवाई कराएन। अब डॉक्टर को नहीं कुछ कहती हो था अपने सोसाई अपने सोसाई, 1 महीना हो गया आज भी आन डॉक्टर पैसा हमारा कुल दुबी नहीं से, अब हम कर्जा ही थो गए कहाँ पैसा पाई कहाँ लगाई। भैया का काल तक टांगे रह गए काल भैया का प्राण निकल गया। अब क्या पैसा लगा है आपका? पैसा हमारा दस लाख लागे, अब हुआ लाख हुआ लागे। अब पैसा तो जानता है सबको कि कितना भर्ती में लागा थी अस्पताल में। जब एक्सीडेंट हुआ था तो कहाँ कहाँ चोटें आई थी आपकी लड़की को? लड़की के का तो चोट नहीं, बस यही ठीक आई है का तो नहीं, खपरी माँ भैया के खपरी में चोट आई है। भैया का आदमी बतावा थी कि कढ़िल गए डाल के 2-3 लाठी, हाँ यहाँ चोट यहाँ चोट, अब जहाँ तक कढ़ली है तीन सिंह तक चोट है भैया के। भैया के 1 महीना हो गया ना नाई ना खोली से ना भैया एक जुबान बोली, अब का करिए। से आगे लड़की थी? लड़की हमारे 4 लड़की 3 लड़का, सबसे बड़ी लड़की यार 10वां पढ़ रही 10 पास हो गई रही रहा कि 811 पढ़ी। तो जो एक्सीडेंट किया है तो आप वहीं का है का आदमी? हाँ वही के भाई है जो एक्सीडेंट किया, ड्राइवर दूसरा है, वो दूसरा लेके गाड़ी गया रहा नव सीखिए ड्राइवर आ चला रहा उसी के। दवा कराने था कि पैसे से दिया? दवा कराने के लिए पैसा नहीं दिया, कहीं दी से यहाँ से लाई के कहा चलो हम तुम्हारे साथ रहेंगे जितना रुपया लागे उतना लगाओ। फिर जब हम हुआ से ही पैसा डॉक्टर मांगला कि इतना लाओ, यही सफाई यार नहीं हमें कर दिन, हम गाय नहीं कर नहीं दिन हम घर वाले घर वहाँ लाई के भाग गए बिटिया का अपने से बिटिया के लाई के भाग गए। अब हम का करें गरीब मड़ाई नून रोटी खा खा बच्चन को पालर रहें, इतनी जून मजूरी करी तो इतनी जून भीख मांग के ले आई खाई करी। भैया का हमारे जान से मारी ने, अब पता नहीं कौन जलम को दुश्मनी, हम तो कहू से नहीं कह रहे हैं। भैया को पढ़ाई नहीं को देखे पारा, गरीब की बिटिया की पढ़ी 20,000 रुपये पढ़ाई में भैया के लगाए ने, कर्जा काट काट 100 रुपया कमाए तो 50 रुपये भैया का दे तब भैया पढ़ाए जाए, उपास था तो भैया पढ़ाए भाग जाए, कहा तो शाम के खाए कहा तो आध रात के खाए बिटिया हूँ तो उपास धात भाग जाए। कहा करी अब गरीबी मौत में हमारा सब को हुआ मौत का दिन, हमारा भोजन का घर में नहीं आ कि हम लड़का का कहूँ तो पाली कहूँ तो ना पालब ग देलन का। तो क्या चाहते हैं क्लेम के लिए मुकदमा किए? मुकदमा जब को सुना है भैया को नहीं सुना था मार मऊ में 10 रोज दौड़े नहीं सुना था ही मऊ वाले पुलिस, अब चाहे पैसा पाए हो चाहे को जाना है दरोगा के लग गए दरोगा हव के ले भाग यही हुआ से। अब हुआ बिटिया का देखी कि हियाँ देखी तो यहाँ पे आए तो आज यहाँ पे क्या कहें इसकी? अब यहाँ पे हम नहीं अब गान का बताए वे पास जाना है, अब हम कहा जाने हम तो हमारा तो दिमाग पगला है। मातारी 15-16 साल की बिटिया सयान बिटिया यह रहा कि आगे साल का शादी का ही दे गए, कहा जाना रहा कि का हो जाए। गरीबी माउथ हमार को नहीं देखे पारा रहा, मजूरी का दलन का पाली थी जब भोजन का होता है।
जितना करी तू पास पा रहे हैं घर में, जितना रह सब बिक गया हमार। बाटन धारा दे, क्या नाम भैया? मेरा नाम रवि करण। आपकी कौन थी? हमारी लड़के थे। क्या कैसे घटना हुई थी? वो जा रहे थे सामान लेने साइकिल से, मऊ के तरफ से डाला आ रहा था, अचानक धक्का मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, उसके माइंड में चोट आ गई ज़्यादा। इसके बाद मुझको सूचना मिली तो मैं एक घंटे के बाद सूचना मिली, इसके बाद मैं उसको मऊ ले करके गया, वहाँ मलहम पट्टी करवाया। इसके बाद उसने कहा FIR मत करो, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। उसको लेकर के सिराजपुर गया, वहाँ भर्ती प्रज्ञा में भर्ती किया और उसने 5,000 रुपये दिया। कह रहा था कि दवाई इलाज करवाइए, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। इसके बाद उसने यहाँ से रिफ़र कर दिया इलाहाबाद के लिए। वहाँ गया तो ICU में भर्ती किया, पैसा ज़्यादा लग रहा था तो उसने कहा मैं पैसा नहीं दूंगा, नहीं जो भी क्लेम लगाया मुझके ऊपर लगा दो, मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, और जो भी 5,000 दिया उसको भी मैं ले लूँगा ज़बरदस्ती। तो किस तरह का दबाव कर रहा है अभी? दबाव बहुत कर रहा है जी। अभी मैं इलाहाबाद से आ रहा हूँ, अभी मुझको कुछ वो नहीं, अभी मैं डायरेक्ट इलाहाबाद से आ रहा हूँ। आप लोग रिपोर्ट किए जी? रिपोर्ट किए थे लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुई। बच्चा परेशान है, सुनवाई नहीं हो रही जी। FIR दर्ज जी कब हुई है? 29 तारीख को। तो क्या आप आज SP ऑफिस आए हैं, तो क्या कारण से आए हैं, क्या चाहते हैं आप? वहाँ सुनवाई नहीं हो रही थी तो हम लोग ये सोच कर आए हैं कि यहाँ कप्तान साहब से मिलेंगे, अपनी मुसीबत बताएंगे। तो क्या नहीं मिले जी? मिले नहीं हैं, जिला अस्पताल ले गए हैं, वहीं कहें कि पोस्टमार्टम करेंगे, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो लड़की अभी वहीं ले गए हैं? हाँ। जी अभी पोस्टमार्टम के लिए गए। तो लड़की लेके आए हैं आप? जी लड़की को यहीं रात पर रखे थे, सुबह लेकर गए। कै बजे आपकी लड़की का प्राण टूटा है? वही करीब लगभग 3 बजे। 25 तारीख की घटना थी जी। आपको कितना लगा, पैसे लगा चुके, कहाँ से लगाए जी? सब कर्जा ले करके लगाया हूँ। वो थोड़ी सी दिखा दो डॉक्यूमेंट जो है आपके, जो आप डॉक्टर के पर्चे और जो थोड़ी जाइए, अभी ना हटाना मैं।